हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डीटी प्रॉपर्टीज़ और डीटीएफएस डिस्क्रीट टाइम फॉरियर सीरीज। अभी हमने कुछ पोर्शन कवर किया था डिस्क्रीट टाइम फॉरियर सीरीज़ का। अब ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ले, प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़, फिर करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारे दो सिग्नल हैं, एक एक्स एन डिस्क्रीट में बात चल रही है तो एन आएगा, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मैंने मान लिया कितना है, सी के। और दूसरा सिग्नल है जी एन, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कितना है, जी के। तो ये क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमें कंप्लीट एक्स एन और जी एन का सिग्नल एक्स एन और जी एन सिग्नल से जो सिग्नल बनेगा उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, उसके लिए कंडीशन है ये दोनों क्या होने चाहिए, ये भी एन से पीरियोडिक होना चाहिए और ये भी एन से पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब दोनों पीरियड सेम होना चाहिए। तो एक्स एन प्लस जी एन जो हो जाएगा, जी एन का जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा कितना होगा, सी के प्लस जी के। ठीक है, ये होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, टाइम शिफ्टिंग मतलब टाइम की शिफ्टिंग होगी। देखो इधर एक्स एन, अगर एक्स एन का ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है वो है सी के, अगर हमसे पूछेगा एक्स एन माइनस एन नोट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, अगर मैं एन को एन माइनस एन नोट से शिफ्ट कर दूं देन मेरा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, बस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर माइनस जे यहाँ पे होता था, फिर ओमेगा नोट, देन आता था के, कितने शिफ्ट है, एन नोट से। ठीक है, अगर देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, अगर यह प्लस होता तो यहाँ पे ये प्लस आता, ठीक है, इंटू सी के। ओमेगा नोट की जो वैल्यू होती है वो पता ही है हमें, 2π/n, ठीक है, ये वैल्यू होती है ओमेगा नोट की। ये होगी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड होती है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। जब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, अगर हम मान लें एक्स एन का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो सी के, ठीक है, अब मुझसे पूछा गया कि ई की पावर जे 2π/n, यहाँ पर इसका एन है तो एन कर लो, ठीक है, 2π/m, एन तो हम पीरियड ले चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, हर सिग्नल के लिए वही रहने वाला, ई की पावर 2π/n, ये हो गया इसका पीरियड, ये हो गया m, अगर n से इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ओरिजिनल सिग्नल में देन मेरा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखो e की पावर जे 2π/n m n, तो यहाँ पे किससे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको, m से, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का शिफ्ट हो जाएगा, k माइनस m का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, c k माइनस m। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसी टाइप से, प्रॉपर्टी नंबर 4, कंजुगेशन प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर मैं बहुत क्वेश्चन करने वाला हूँ। और इसमें क्या है, अगर ये कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक्स एन का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी के है, ठीक है, तो इसका अगर मैं मुझे एक्स एन के कॉन्जुगेट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पता करना है तो वो कितना होगा, सी माइनस के देन कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये होता है एक्स एन, अगर एक्स एन का मैं कॉन्जुगेट ले लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, सी माइनस के का कॉन्जुगेट, ठीक है, पहले सी माइनस के निकालेंगे देन उसका कॉन्जुगेट। और यहाँ पे देख लो एक रिजल्ट और देख लो, अगर फोर एक्स एन इज रियल, अगर एक्स एन रियल है, अगर एक्स एन रियल है तो ये दोनों सिग्नल इक्वल होंगे, उसमें एक्स एन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स एन का कॉन्जुगेट, रियल में तो यही रहता, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये आई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक और है लास्ट, टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल में क्या होता है भाई साहब, देखते हैं यहाँ पे।
इसमें टाइम को क्या कर देंगे, रिवर्सल कर दो, एक्स एन की जगह क्या क्या कर देंगे, माइनस एक्स एन। अगर एक्स एन का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी के है तो एक्स माइनस एन का क्या होगा, के की जगह माइनस के हो जाएगा। अगर एन की जगह माइनस एन कर रहे हैं तो के की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, बस ये पता लग रहा है। तो हमने इस वीडियो में जाना पांच प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसी टाइप की प्रॉपर्टी हैं वो भी, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इन पर रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।